कॉल सेंटर इंटरव्यू क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस हमेशा आता है गाइस कि किस तरह से आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे या फिर क्वेरी रेजोल्यूशंस आप किस तरह से करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उन्हें प्रोसेस के बारे में जानना नहीं है, उन्हें जानना है कि कितने या फिर किस लेवल पर आप उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर क्लाइंट के बारे में सोच रहे हैं। तो जब कोई भी इंटरव्यू और आपको क्वेश्चंस पूछे कि आप क्वेरी रिजोल्व किस तरह से करेंगे गाइस, तो उसके लिए आपको बहुत सारे वेज है आंसर्स करने के, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये बात वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि एग्जैक्टली क्वेरी किस लेवल पे है, ये बात आपको पहले समझनी होगी। इसके लिए आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशंस करना होगा। तो ये कम्युनिकेशंस बहुत ही फ्लुएंटली और प्रॉपर वे से होना चाहिए, जहाँ पर आपको क्लाइंट के साथ बहुत ही पोलाइटली बात करनी है। अगर हो सकता है क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में हो तो वो इरिटेट या फिर किसी अलग वे से आपसे बात करे, तो आपको भी एक अच्छे लेवल पे और स्मार्टली उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। और सबसे पहले आपका मोटिव एक ही होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या है वो आपको समझना चाहिए। समझी हुई प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशंस के लिए आपके पास फाइंड आउट होना चाहिए कि इसके वेज क्या है जो रिजोल्व हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है तो बस उसका आंसर समझने के लिए आसानी हो जाती है। तो प्रॉब्लम फिक्स होने के बाद आप मल्टीपल्स उसके सॉल्यूशंस के आंसर्स रेडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा हो, तो हो सकता है उस एरिया में नेटवर्क नहीं हो, उस फ़ोन में प्रॉब्लम हो, कोई सेटिंग्स में करेक्शंस करना हो, हो सकता है कुछ ऐसे हो, तो जो बेसिक ट्रबल शूटिंग्स है वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है। और अगर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इन दैट केस टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीनियर्स की हेल्प लेनी है। सो बीपीओ में बेसिकली कॉल सेंटर्स या बीपीओ में ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। 3 मिनट्स के आगे अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा हो तो सीधा वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र, हायर टेक्निकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाता है। सो कोशिश करते हैं लोग कि जल्द से जल्द और फास्टली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो आपका अगर आंसर्स देने का ये मोटिव आपने रखा और इस मोटिव को आपने एक्सप्लेन किया वहाँ पे सही तरीके से, तो होप वहाँ पे एक चांस बनता है आपका सिलेक्शंस का। सो जब कभी भी आप इंटरव्यू को जाएंगे तो एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सही तरीके से देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।